नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 20 अगस्त 2021। दोस्तों, मेरे अपने वायदे के अनुसार चने पर एक विशेष रिपोर्ट लेके मैं आज आपके साथ एक विशेष शो कर रहा हूं। दोस्तों, चना हर आमो खास की जरूरत का दलहन है। मंडी के व्यापारी, किसान एवं उपभोक्ता चने का महत्व सबसे अधिक जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में दलहन पर विशेष हलचल कमोडिटी बाजार में, स्पेशली एग्रो कमोडिटीज में देखी जा रही है। सबसे पहले दालों पर स्टॉक लिमिट लगी, जबरदस्त भावों के अंदर उतार चढ़ाव देखा गया। मंडी व्यापारी कारोबारियों में बड़ा रोष भी हुआ। फिर बाद में सरकार ने दालों पे स्टॉक लिमिट बढ़ाई भी। NCDX के ऊपर, जो प्रमुख एग्रो जीन्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पर 16 अगस्त को चने के वायदे पर रोक लगा दी गई। नई फ्रेश पोजीशंस लेने पे रोक लगी और सिर्फ जो मौजूदा पोजीशन थी खरीदारी या बिकवाली की, उसको स्क्वायर अप ही कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में बड़ा हलचल मिली, चने के भावों में एकदम से गिरावट आई। अब हर कारोबारी एवं किसान बंधुओं को एक विशेष जिज्ञासा है कि चने में अब क्या होगा। यद्यपि सरकार दालों एवं दलहन पर बेताज तेजी को रोकने के लिए, उनके मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रभावी और कारगर उपाय करती है ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे, लेकिन चने के जो दाम थे वो MSP से नीचे थे। किसानों का कहना है, कारोबारी का कहना है कि इससे बड़ा नुकसान उनको देख मिल रहा है। अब क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, क्या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहती है, क्या टेक्निकल सपोर्ट्स कहते हैं, या इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज जो हमें सूचना मिल रही हैं, राजस्थान जो कि चने का प्रमुख उत्पादक राज्य है, बीकानेर संभाग में नोहर, भादरा, सवाईमाधोपुर, तारानगर, सरदार शहर की जो मंडियाँ हैं उसमें चने की बहुत ज़्यादा स्टॉक मौजूदा समय में नहीं है। महाराष्ट्र के संभाग में देखें, अकोला, जलगांव, जालना में भी चापा चने कट चुका है। यदि हम MP में देखें, इंदौर संभाग में भी देखें, तो काटा एवं पीला चना का ज़्यादा माल नहीं बता रहे हैं मंडियों में। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में की तरफ भी हम नज़र रखें तो ऑस्ट्रेलिया जो कि चने का प्रमुख उत्पादक देश है, वहाँ पर चने के दाम और चने के भाव ऊँचे बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति जो ग्राउंड की नज़र आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय भाव नज़र आ रहे हैं, उसको देखते हुए चने के ऊपर की तेज़ी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आइए देख लेते हैं चने का उत्पादन कैसा रहा। हम 2016-17 से आंकड़े उठा लेते हैं। यदि 2016-17 का आंकड़ा देखें तो 93.8 लाख टन का उत्पादन 2017-18 में हुआ है। 2017-18 में देखें तो चने का उत्पादन 113.8 लाख टन का था और सन 2018-19 के अंदर उत्पादन बेहताशा गिरा और ये 99.4 लाख टन रह गया। अब 2019-20 का पे भी आपके आंकड़ों पे नज़र डालें, ये 110.8 लाख टन का उत्पादन सन 2019-20 में अंकित हुआ और सन 2020-21 में चना का उत्पादन 119 लाख टन से अधिक बताया जा रहा है। ये भी गौरतलब है कि 119 लाख टन जो चने का उत्पादन है उसमें भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है।
बहुत से लोग 119 लाख टन के उत्पादन के ऊपर सहमत भी नहीं हैं। मौजूदा स्थिति मंडियों के अंदर माल उत्पादन और खपत को देखते हुए चने के अंदर यदि हम एक और कदम आगे बढ़ाएं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मत क्या कहता है, दो महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों इस समय वक्री हैं और दोनों का अद्भुत संयोग अद्भुत मिलन सितंबर माह के मध्य में हो रहा है और ये अक्टूबर तक चलेगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि का आपस में संबंध हो जाना भी चने के ऊपर एक महत्वपूर्ण मोमेंट लेके आता है। चने के अंदर उपलब्ध डाटा एवं आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चने के अंदर मंदी की संभावनाएं कम नजर आती हैं। जब बाजार गिर रहे थे वायदा पे रोक लगने के बाद, तब भी मैंने आपको विभिन्न टीवी चैनल्स और अपने इस टीवी चैनल अपने इस डिजिटल चैनल पे भी आपको कहा था कि हैरान परेशान मत होइए, चने के अंदर बहुत बड़ी मंदी नहीं होगी। और NCDS के वायदे पे भी देखो तो पिछले 2-3 दिन से चने ने पुनः तेजी पकड़ ली है और ये 5150 का NCDS के ऊपर ये भाव लग गया है। तो इन सभी आंकड़ों को और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के माध्यम से चने के अंदर बहुत बड़ी मंदी की संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर दी जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक एवं अपने सलाहकार से भी आप निर्णय ले सकते हैं। ये चैनल मात्र आपको बाजार की सूचनाएं, आकलन और विश्लेषण प्रस्तुत करता है एजुकेशन पर्पज पर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।